कांगड़ा जिला स्थित पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में 8 दिन से लापता अमेरिकी पर्यटक का शव मंगलवार दोपहर को मिल गया। पर्यटक का शव एक खाई में झाड़ियों में फंसा मिला है। मौसम साफ होने की वजह से आज SDRF और माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के पर्वतारोहियों की टीम को शव नजर आया। ट्रैकिंग के दौरान पर्यटक रास्ता भटक गया था और खाई में गिरने से उसकी मौत हो गई। 7 नवंबर को मैक्समिलियन लॉरेंज नड्डी गांव के पर्यटन स्थल गुना माता ट्रैक पर ट्रैकिंग के लिए निकला था और रास्ता भटकने से लापता हो गया था। 8 दिन से उसका सुराग नहीं मिला था। अमेरिका का रहने वाला मैक्समिलियन लॉरेंज नड्डी गांव के आरा कैंप में पिछले 15 दिन से ठहरा हुआ था। 7 नवंबर को पूर्णिमा के दिन ध्यान साधना के लिए वो गुना माता ट्रैक पर गया था। उसने 8 नवंबर को भेजे संदेश में लिखा कि वो रास्ता भटक गया है। इसके बाद आरा कैंप के प्रबंधक ने मैक्समिलियन के लापता होने की सूचना मैक्लोडगंज पुलिस स्टेशन में लिखवाई थी। तब से टीम उसकी तलाश कर रही थी। बल गांव की आरा कैंपिंग साइट से लॉरेंज की 2 डायरियां मिली हैं, जिसमें उसने अपनी ध्यान साधना के अनुभवों को साझा किया है। उसने महात्मा बुद्ध का उल्लेख करते हुए लिखा कि ध्यान लगाते समय उसे निर्वाण प्राप्त हुआ है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़ के साथ।